नमस्कार, मैं नवीन सिंह, मैं एग्री प्लास्ट कंपनी में एग्रोनॉमिस्ट हूँ। आज मैं एक फील्ड विजिट में आया हूँ जहाँ पे चिल्ली का प्लांटेशन है। तो इस फील्ड में किसान भाइयों, जो मैं देखा हूँ कि बहुत सारा वायरस अटैक है। नीचे तो फ्रूट फ्रेश हैं, लेकिन ऊपर आप देख रहे हैं पूरे प्लांट एलोइस हो गए हैं, टॉप की लीफें, और ये फ्रूट भी देखिए जो वायरस से अटैक है, फुल वायरस है। आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ओपन फील्ड में वायरल डिजीज से कैसे बचें, और कितने तरह के वायरस आते हैं मोस्टली, और क्या क्या हम लोगों को सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे हमारी क्रॉप चिल्ली, कैप्सिकम, टोमेटो, पपाया, आज जो क्रॉप हैं वेजिटेबल की क्रॉप को वायरल डिजीज से बचाया जा सके। पहली बात तो वायरस जो है मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, एक तो TMB टोबैको मोजाइक वायरस, और एक YMB येलो मोजाइक वायरस। तो ये जो है आप जो देख रहे हैं ये येलो मोजाइक वायरस है। तो हम लोगों को पहले किसान भाइयों क्या सावधानी रखनी चाहिए कि पहले हम लोग सीड जो परचेज करते हैं वो सीड में वायरस रेजिस्टेंस पावर हो। दूसरा चीज, आजकल नॉर्मल हम लोग जो ओपन फील्ड में फार्मिंग कर रहे हैं तो हम लोग बाउंड्री वाल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो सेडनेट का बाउंड्री वाल हो रहा है, ये देख रहे हैं पूरा ग्रीन कलर का सेडनेट लगा हुआ है और करीब 3 मीटर हाइट तक लगा हुआ है। तो हमारा कहना यह है कि हम सेडनेट से जो वायरस आता कैसे है, मान लीजिए वायरस जैसे इधर आप देख रहे हैं कि जंगली प्लांट कुछ हैं, और जंगली प्लांट पे जो वायरस के लिए इंसेक्ट हैं जैसे वाइट फ्लाई, एफिड्स, थ्रिप्स, जेसिड्स, ये सब मेन उसके कारक हैं, क्योंकि वो वहाँ के जंगली प्लांट में उनकी लाइफ साइकिल बहुत ईजी से पूरे सालों साल चलती रहती है। जैसे ही हम अपने फील्ड में न्यू प्लांटेशन करते हैं तो वो यंग प्लांट को, मतलब यंग प्लांट पे आके अटैक कर देते हैं, और वो जंगली प्लांटों से वायरस को लाके ये हमारे जो प्लांट है फ्रेश प्लांट उन पे आसानी से फैला देते हैं। और पहले बाहर के आउटर साइड के जो प्लांट हैं उनमें लाइनों में आता है, जो देख रहे हैं कि आप यहाँ पे पहले आउटसाइड जो प्लांट हैं बाउंड्री से वहाँ अटैक हुआ है, फिर धीरे धीरे अंदर अटैक होता है और पूरा फील्ड को ख़त्म कर देते हैं और लाखों का नुकसान हो जाता है। तो इसलिए बचने से लिए हम आप लोगों को कह रहे हैं कि एक जिसे जो हम लोग शेड नेट लगाते हैं, शेड नेट की लाइफ क्या है, मतलब आप नॉर्मल शेड लेते हैं तो 2 साल में ख़त्म हो जाता है, और उससे वाइट फ्लाई, एफिड, थ्रिप्स, ये सब उसमें पास होके इनसाइड आ जाती है तो उससे रुकती नहीं है। तो उसको रोकने के लिए इंसेक्ट को एक एग्रीप्लास्ट का इंसेक्ट नेट आता है 40 mesh 100 GSM और 120 GSM। इस इंसेक्ट नेट की लंबाई जो है वो करीब 100 मीटर्स का रोल होता है और विड्थ 3.6 मीटर होता है। तो अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ एरिया को कवर करने के लिए आपको करीब 280 मीटर लेंथ और 3.6 मीटर विड्थ का इंसेक्ट नेट चाहिए। दूसरी बात ये करते हैं कि अगर हमारे पास 5 एकड़ का फील्ड है, 5 एकड़ में हम अब उसमें चिल्ली प्लांटेशन कर रहे हैं, कैप्सिकम प्लांटेशन कर रहे हैं और टोमेटो प्लांटेशन कर रहे हैं, तो एक ही साथ हम क्रॉप को प्लांटेशन नहीं करते हैं और सीजन के हिसाब से, मार्केट डिमांड के हिसाब से हम उसका सीजनल प्लांटेशन करते रहते हैं। तो 5 एकड़ का प्लॉट है तो सबसे पहले पूरा बाउंड्री वॉल को इंसेक्ट नेट से कवर कर दीजिए, और उसके बाद 1-1 एकड़ का प्लॉटिंग कर दीजिए। 1-1 एकड़ प्लॉटिंग करने से ये फायदा होता है कि मान लीजिए अभी सबसे ज़्यादा वायरल डिजीज अटैक टोमेटो क्रॉप में होता है, पपैया में होता है, तो जिसे देख रहे हैं कि बगल में टोमेटो लगा भी है, तो ये क्रॉप का जब एंडिंग होगा तो इसके सारे वायरल डिजीज सब कुछ हमारे न्यू प्लांटेशन, जिस एरिया में हम न्यू प्लांटेशन करेंगे या जहाँ फ्रेश क्रॉप रहेगी वहाँ अटैक कर देंगे। तो हमारा कहना यह है कि आप 5 एकड़ के प्लॉट को भी आप 1-1 एकड़ प्लॉट में बाउंड्री वॉल कर सकते हैं जिससे आप वाइट फ्लाई और थ्रिप्स, एफिड, जेसिड, इन इंसेक्ट से आप
बच सकते हैं। और अगर प्लांट हैं तो कुछ इंसेक्ट तो अटैक होंगे ही, तो अटैक करेंगे ही, तो उन इंसेक्टों को हम, जैसे मान लीजिए व्हाइट फ्लाई का अटैक है तो हमारे UPL कंपनी का उलाला का यूज करते हैं 60 ग्राम पर 100 लीटर, और थ्रिप्स के लिए सिंजेंटा का एक तारा है 1 ग्राम पर लीटर यूज करना चाहिए, और डेलिकेट है दाऊ कंपनी का, उसको 0.5 ml/L के हिसाब से यूज करना चाहिए। तो ये इंसेक्ट को अगर हम 5 to 8 days के गैप में एक स्प्रे करते रहते हैं तो जो नॉर्मल हमारी व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स एफिड आती है तो वो आसानी से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम ये बाउंड्री वाल इंसेक्ट नेट का नहीं देते हैं, जैसे ये नॉर्मल सेड नेट का दिया गया है, तो ये देख रहे हैं कि हमारे प्लांट का क्या हाल हुआ है। तो मेरा किसान भाइयों आपसे अनुरोध है कि आप ये एग्रीप्लास का इंसेक्ट नेट 40 mesh इसका यूज करिए और अपने प्लांट को वायरस से होने वाले नुकसान से बचाइए। वायरस ऐसी बीमारी है कि जो प्लांट में आने के बाद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और पूरी की पूरी क्रॉप ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए इसका शुरू में प्री ट्रीटमेंट और इंसेक्ट नेट से बाउंड्री वाल करके वायरस डिजीज से बचाया जा सकता है। थैंक यू। Connect with us on Facebook, Instagram, Twitter and subscribe the YouTube channel of AgriPlus Tech India Private Limited and press the bell icon to get notification when we upload a new video.